तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हलोंग चरनी बनाने की तैयारी में है। तो फिलहाल अभी हलोंग निकल चुके हैं राटा काटने के लिए और वाइटी का वेट कर रहे हैं और मेरे साथ है साहिल। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि चरनी किस प्रकार से मैं बनाऊंगा और क्या क्या करने वाला हूँ और कैसे कैसे बनाते हैं सब दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तब समझ में आएगा कि किस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखोगे। तो अभी हलों निकल गए हैं तो वाइटी का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हलों निकल जाएंगे राटा काटने के लिए। और बस यही है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गाइस अभी हलों झूठ झाड़ पार करके पहुँच चुके हैं कुछ इस प्रकार का जगह में और यहाँ थोड़ा भी राटा ज़्यादा है तो यहाँ का काटेंगे। और फिलहाल मैं नहीं काटूँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा। तो साहिल काट रहा है और सामने वो वाइटी, तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ लोग काट रहे हैं। और इधर जो देख रहे हो ना, ये वाइटी है जो कि मस्त आराम से काट रहा है और इधर साहिल देख सकते हो, एक एक ठी है इसको खोज खोज के काट रहे हैं लोग। ज़्यादा नहीं है ना तो खोज खोज करके ही काटना पड़ रहा है इनको। इधर थोड़ा ज़्यादा है और देख रहे हो एक एक ठी होता है, ऐसे पता ही नहीं चलता एक एक ठी है। अब इसको जमा करते हैं, देखते हैं कितना ज़्यादा होगा। हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से तो, और नहीं होगा तो उधर वहाँ पे भी है किनारे में, उसको भी काटेंगे। गाइस तो बेर सब भी हो गया है, खाने लगे तो आ जाना, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है इसमें तो। नहीं, यहाँ पे पाकिर पारा के पास आ जाना खाने के लिए। गाइस अभी हल्लों का हो गया, राटा वगैरह सब काट लिए और देख सकते हो कितना ज़्यादा ज़्यादा ले रहे हैं, सबसे कम मैं ले रहा हूँ, फिर साहिल, फिर वाइटी के लिए हलों सबके काट दिए। तो वाइटी सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, कहीं उसको पहले नहीं काटा था तो इस बार ज़्यादा काट के ले रहे हैं। हलों पहले से काट चुके थे तो हलों कम कम ले रहे हैं। कांटा सब गड़ रहे हैं हलों को। फाइनली गाइस रटा वगैरह सब लेकर के आने के बाद अभी मैं बनाना चालू करूँगा चरनी, तो आप लोग देखते रहिए। तो अभी मैं फ़िलहाल बांस काटूँगा सबसे पहले, तो फिर उसके बाद रेडी करूँगा। तो अभी आप लोग देखिए बांस काटते हुए। तो गाइस अभी साहिल काट रहे हैं बांस, इसको लेकर के जाएंगे अभी हम लोग। अभी हल्लों का बांस कट चुका है तो अभी इसको घर जाएंगे हल्लों, फिर दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस प्रकार से मैं चरनी बनाऊंगा आज। तो बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। चलिए गाइस अभी हल्लों तो करके ले रहे हैं इसको, मैं छोटा सा वाला को ले रहा हूँ तारा गाड़ने वाला को, और साहिल बड़ा वाला को ले रहे, तो अभी दिखाता हूँ साहिल को। सकते हो ये वाला है, इससे बनाएंगे हल्लों चरनी, और मैं तो तारा के लिए ले रहा हूँ। और ये है मेरा चरनी, मेरा चरनी कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, तो देख लीजिए ऐसे ही बनाने वाला हूँ मैं चरनी। और ये वाला डिजाइन कोई चोरी किया है मेरा लेकर के इसको, तो सेम बनने वाला है, थोड़ा सा अलग लगेगा थोड़ा सा, कहीं कि ये पुट्ठा से बनाए हूँ मैं ही, तो देख सकते हो। तो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं, फिलहाल इसको मढ़ा लिया हूँ और इधर बांस वगैरह सब है। तो गाइस अभी बांस वगैरह सब काट लिया, देख सकते हो ये वाला पूरा लंबा था, अभी काट चुका हूँ, अभी इसको फाड़ने की बारी है, तो देखते रहिए अभी फाड़ता हूँ इसको। तो गाइस ये देख रहे हो, ये चींटी लोगों का घर था, उसके अंदर में निकल रहा है चींटी, काटने वाला है काफ़ी ख़तरनाक वाला चींटी, अब इसको भगाना पड़ेगा यहाँ से।
गाइस बांस वगैरह सब फाड़ लिया हूँ, अभी वो रटा को इसमें लगाना है, उसके बाद बांधना है, बस उतना ही बचा है और वहाँ सेट करना। तो और नहीं होगा तो ये बांस रखा हुआ है इसको भी काटेंगे। वास्तव में ये गाड़ने के लिए था, लेकिन देखते हैं ये होगा या नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो फिर फाड़ना पड़ेगा मेरे को। तो अब इसको लगाऊंगा, फिर बांधूंगा साथ में। तो बांधते हैं अभी, तो अभी रटा को बांधने का टाइम पहुंच गया है। तो अभी इसके लिए पहले ये बांस को लगाएंगे। तो चलो लगा लेता हूं मैं बांस को भी। ये वाला को छोटा साइज में रखना है, इसलिए इसको पास पास रखूंगा मैं। तो अभी इसको पास पास रख लेता हूं। तो अभी इसमें रटा डालूंगा ऊपर से, तो देखते रहिए। तो उससे पहले मेरे को अभी ये वाला तार को काटना पड़ेगा, तो पहले तार काट लेता हूँ, उसके बाद उसको बांधूंगा। तो अभी तार वगैरह सब काट लिया हूँ, अभी बांधने की बारी आ गई है, तो अभी बांध लेता हूँ। करके अभी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और ये तक करके बैठ गया है, और अभी इसको फिलहाल काटेंगे अभी, फिर उसके बाद ऊपर वाला बनाना है। अभी साइड वाला हो गया है पूरा कंप्लीट, तो अभी ऊपर वाला बांधने के लिए बनाना है। तो अभी काटेंगे यहाँ पे, ये पटरा लगा हुआ है। साइड का हो गया है, अभी ये वाला ऊपर वाला है और नीचे वाला के लिए उधर साइड काट रहा है। तो अभी मैं फिलहाल पूरा नीचे वाला के, यानी कि ये सबसे ऊपर वाला है, तो इसको पूरा फिट कर लेता हूँ। इधर बांध लिया हूँ और ये फिट करना है अभी, अभी रटा डाल के फिट करता हूँ।
तो गाइस अभी शाम होने को जा रहे हैं, तो अभी फिलहाल हल्लम गड्ढा वगैरह सब नहीं कोड़े हैं, तो इधर भैया को कोड़वा रहे हैं गड्ढा, तो ये कोड़ने में लगा हुआ है। तो अभी हल्लम लगभग पूरा ख़त्म कर चुके हैं, थोड़ा सा बचा है और दो तीन ठी बनाना, तो अभी दो तीन ठी को बनाएंगे, तब तक भैया यहाँ गड्ढा रेडी कर लेगा। तो अभी दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार से बनने वाला है। चरनी रेडी हो गया, पूरा नहीं हुआ है लेकिन भी हो गया है लगभग लगभग। तो कल उसमें कुछ कुछ यानी कि नीचे करने की है, तो नीचे का भी करेंगे। तो कमेंट करके बताना कि चरनी कैसा लगा हो। तो अभी रात भी हो गया है, तो फिलहाल इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।